हमारा सूरज जो है वो लाइफ का स्रोत है हमारे इस धरती पे। सूरज के बिना लाइफ संभव ही नहीं है। लेकिन सूरज से ही ना कभी कभी ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती है कि साइंटिस्ट्स डर जाते हैं। कुछ दिन पहले नासा ने एक इमेज शेयर किया था हमारे सूरज का, और उस इमेज के बारे में जान के आपको भी डर लगेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 14, सूरज जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे मौजूद है, और सारे प्लैनेट, सुनो आपको गजब बात पता चलेगी एक, सारे प्लैनेट उसको चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है, नेपच्यून तक जो है 8 प्लैनेट्स, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि सूरज को चक्कर नहीं लगाता है? इसका करेक्ट आंसर दो आप। आप कहोगे कि सारे प्लैनेट्स तो चक्कर लगाते ही है, बट एक्चुअल में टेक्निकली जुपिटर जो है वो सूरज का चक्कर नहीं लगाता है। जी हाँ, जुपिटर जो है ना वो, उसको पता है एक फेल्ड स्टार बोलते हैं, उसको थोड़ा और माल मिल जाता तो वो एक स्टार बन जाता, वो इतना बड़ा है। तो क्या है कि एक्चुअल में बात यह है कि जुपिटर और सूरज दोनों बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, तो वो एक दूसरे का चक्कर नहीं लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं दोनों। मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ कि सूरज भी जुपिटर का चक्कर लगाता है और जुपिटर भी सूरज का। अब इसको एक समझो ध्यान से, सुनने में वियर्ड लग रहा होगा, तो बात यह है कि इस डायग्राम को देखो। सूरज और जुपिटर दोनों का एक कॉमन बैरी सेंटर बन जाता है। मतलब टेक्निकली, मतलब दोनों का मास इतना बड़ा है कि वो एक दूसरे को चक्कर नहीं लगाते, बल्कि दोनों का एक कॉमन एरिया बैरी सेंटर बनता है और उसको चक्कर लगाते हैं। मतलब छोटा प्लैनेट क्या है कि सन के सेंटर को ऑर्बिट करता है आराम से, बट ये इतना बड़ा है, इतना घमंडी है कि सन के सेंटर से भी बाहर चला जाता है उसका बैरी सेंटर, उसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो उस कॉमन बैरी सेंटर को ये दोनों रोटेट करते हैं। बाकी धरती और मार्स ये सब इतने छोटे प्लैनेट है हमारा कि जो सन का सेंटर है वही बैरी सेंटर हो जाता है, इसलिए धरती गुलामी करता है सन का। लेकिन जुपिटर का जो सेंटर निकलता है वो सन के भी बाहर निकलता है, इतना ह्यूज है। फैक्ट नंबर 13, अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब के बारे में तो पढ़ा ही होगा, हमारे बेसिक एलिमेंट्स जिससे ये हमारी यूनिवर्स बनी है। आपने कभी मुओन के बारे में सुना है? MUON, मुओन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में बहुत ही कम पता है। कहा जाता है कि उसके अंदर का चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो आप किताबों में इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े हो वैसे ही होता है मुओन का भी, लेकिन उसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज्यादा होता है। लेकिन एक अजीब बात है कि जो हम लोग मूवीज में जो कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं ना, कि कोई इंसान किसी तरह से कुछ ऐसा सूट पहन लेता है जिसके बाद वो दीवारों के भी आर पार हो जाता है, मतलब चीजों के अंदर से ट्रैवल करना, नॉर्मल चीज जो इलेक्ट्रॉन से बनी है, मतलब सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर पेनिट्रेट करके पार हो जाना। तो मुओन जो पार्टिकल जो कि डिस्कवर किए हैं साइंटिस्ट्स, वो कुछ ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। मुओन ऐसा एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि चीजों के आर पार हो सकता है, एंड बहुत सारे मुओन के पार्टिकल्स धरती के सरफेस को पेनिट्रेट करके किलोमीटर्स ऑफ रॉक के अंदर भी चले जाते हैं। आप मुओन के बारे में कई आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। मुओन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि नॉर्मली एटम्स जो साइंटिस्ट जानते हैं वहां एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये रेयरली ही दिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में तो साइंटिस्ट श्योर है। फैक्ट नंबर 12, फिनलैंड जो कंट्री है उसका आप मैप देख सकते हो मेरे बगल में। तो क्या है कि फिनलैंड के एक जगह पे नेटो कैनन नाम का एक लेक है, नेटो कैनन लेक कुछ ऐसा दिखता है। तो अमेजिंग बात यह है ना कि अगर आप फिनलैंड देश के मैप और इस लेक के, इस तालाब के शेप को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि ये कितना सिमिलर है। दिस इज अ लेक इन फिनलैंड दैट लुक्स लाइक फिनलैंड, और ये सिर्फ 1 मीटर ही डीप है। मतलब ऐसा किसी कंट्री में नहीं पाया गया कि नेचुरली कोइंसिडेंटली ही एक ऐसा लेक मौजूद है जो कि कंट्री के मैप के आइडेंटिकल हो। हाँ, ऐसा आर्टिफिशियली तो बनाया जा सकता है ऑफकोर्स हर देश में, लेकिन नेचुरली फॉर्मिंग सिर्फ और सिर्फ लेक नेटो कैनिन है फिनलैंड का। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है इस दुनिया का सबसे क्रेजी एडवर्टाइजिंग जो लोग रेट करते हैं कैजुअली, वो KFC को करते हैं, क्योंकि KFC ने एक बार जो एरिया 51 है ना नेवाडा वाला, जो ऑफकोर्स एलियंस के लिए डिबेटेड है, उस जगह पे वो जो रीजन है वहां पे एक जगह पे देखो ऐसा एडवर्टाइजमेंट डाला था
मतलब रोड के बगल में इतना बड़ा बिलबोर्ड को क्रिएट किया गया था। और ये ऐसा था ना कि ये गूगल अर्थ और गूगल मैप्स पे भी दिखता था, और जो भी सैटेलाइट स्पेस से इमेजरी कैप्चर करता था वो इतना बड़ा एरिया में उसको बनाया गया था एड को कि वो स्पेस से भी दिखता था। इस चीज के बारे में आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको एडवर्टाइजिंग नहीं कहते हैं, इसको रूफ वर्टाइजिंग कहते हैं, जो ऊपर से दिखे। KFC ने इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था। क्या है कि उस टाइम KFC कुछ अपने ब्रांड को रीडिजाइन वगैरह कर रहा था पूरे इन्वेस्टमेंट के साथ, तो बहुत सारे नए नए आउटलेट्स खुल रहे थे और कंपनी पूरे जोश में थी, तभी ये की थी और ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारा KFC इतना पॉपुलर होना चाहिए कि जो एलियंस उतरते हैं नेवाडा में उनको भी हमारा ऐड दिखना चाहिए, ये कहे थे वो लोग। ये लोगो 87,500 स्क्वायर फीट का था। फैक्ट नंबर 10, आपने ये नोटिस किया है कि जो पेंसिल का इरेजर होता है उसको कई लोग, कई टीचर्स इरेजर कहते हैं और कई लोग कहते हैं रबर, रबर दो रबर। तो एक्चुअल में ये दोनों इंग्लिश ही करेक्ट है। इरेजर जो है वो USA में ज्यादा यूज होता है, इरेजर, और रबर ये UK में ज्यादा यूज होता है। और आपने सुना होगा पैंट और ट्राउजर, ये दोनों, पैंट USA में यूज होता है और ट्राउजर UK में यूज होता है। सेल फोन जो वर्ड है वो USA में ज्यादा यूज होता है, और मोबाइल फोन ये UK में ज्यादा यूज होता है, और हमारे इंडिया में दोनों यूज होता है। बट किसका वेटेज कहाँ ज्यादा है वो मैंने आपको बताया। फैक्ट नंबर 9, 17th सेंचुरी में रशियन इंपेरर पीटर द ग्रेट, उन्होंने एक अजीब सा टैक्स निकाला था कि जो भी अपना बियर्ड को शेव नहीं करेगा पूरा उसको टैक्स लगेगा। मतलब इंपेरर को जो सही लगता था वही करते थे मेबी, और उस टाइम जो भी वहां के निवासी जो कि शेव नहीं करते थे, जो बियर्ड रखते थे, उनको हमेशा पॉकेट में एक टोकन लेके घूमना पड़ता था, टैक्स पेड का टोकन। और जब भी पूछा जाता था किसी अथॉरिटी से तो दिखाना पड़ता था कि हाँ मैंने टैक्स दिया है। फैक्ट नंबर 8, मार्शमेलो को आपने देखा है, खाया है आपने, ऐसा जो फ्लफी सुगरी जो होता है इसको मार्शमेलो कहते हैं, बहुत फ्लफी होता है ये, ऐसा लगता है थर्मोकोल खा रहे हैं बट टेस्टी होता है। तो एक प्लैनेट है जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मार्शमेलो प्लैनेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्लफी है। इसका नाम है TOI 3757b, और इसका जो डेंसिटी है वो मार्शमेलो की तरह है। इसका डेंसिटी इतना है ना कि अगर कोई बड़ा वाटर बॉडी पे इसको रख दिया जाए तो ये तैरने लगेगा। और साइंटिस्ट्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये एक कॉस्मिक बाथटब में तैर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, मतलब इसके डेंसिटी को देख के। और इसका साइज जो है ना वो छोटा मोटा मत मानना, ऐरा गहरा जुपिटर, हमारा जो जुपिटर है सोलर सिस्टम में, उतने साइज का है ये प्लेनेट, और ये धरती से 580 लाइट ईयर्स दूर है। फैक्ट नंबर 7, जो कैनियंस होते हैं वो पता है सबसे बड़ा मार्स प्लेनेट पे पाया गया है। मार्स के जो कैनियंस हैं उनका साइज इतना बड़ा है कि वो पूरा मतलब अमेरिका इतना स्ट्रेच कर जाएगा। इस पूरे सोलर सिस्टम का जहां तक वैज्ञानिकों ने देखा है सबसे बड़ा कैनियन मार्स पे मौजूद है। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी नासा के DART मिशन के बारे में सुना है? डार्ट, डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। नासा ने पास्ट में बहुत सारे डार्ट मिशंस को किया है और फ्यूचर में भी बहुत सारा प्लान्ड है। आपको पता है डार्ट मतलब जैसे इस हमारे यूनिवर्स में अनगिनत चीजें घूम रही है, हमारे स्पेस में इतनी सारी चीजें हैं कि कभी भी किसी से भी कुछ भी कोलाइड कर सकता है। हमारे धरती में भी मेटियोर्स आते हैं बट होपफुली वो धरती का जो एटमोस्फेरिक लेयर होता है उसमें एंटर करते के साथ ही वो गल जाता है, मीटियोर शावर वगैरह दिखते हैं हमको। बट क्या हो अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती पे गिरे या फिर टकराए, क्या हमारी सिविलाइजेशन अभी उतनी एडवांस्ड हुई है कि वो उसको रोक पाए? तो जी हाँ, नासा एटलीस्ट इस चीज को कर सकती है। डार्ट मिशन के जरिए वो सैटेलाइट्स को भेजती है बहुत हाई स्पीड में और पूरे कैलकुलेशन के साथ, और वो सैटेलाइट धरती के तरफ बढ़ने वाले जो भी एस्ट्रॉयड होंगे जो कि साइज में बहुत मेजर होंगे जिससे कि धरती पे नुकसान पहुंच सकता है, उसको अपने लाइन से ऐसे टकरा के भटका देंगे, ताकि इधर आने वाला था तो सैटेलाइट उसका रूट को भटका दिया तो वो फिर कहीं और चला जाए। और इसके लिए बहुत ही हाई स्पीड सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और मेरे बगल में आप एक क्लिप को प्ले होते हुए देख सकते हो कैसे नासा का एक सैटेलाइट
कोलाइड कर रहा है उसका रियल फुटेज है ये, और कोलाइड करने के बाद वो ऑफकोर्स टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन वो तब तक उसका जो रूट है जो एस्ट्रॉयड धरती के तरफ आ रहा था उसको टिल्ड कर देगा, तो वो धरती से टकराएगा नहीं और सेफ हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, नासा का पहले ये आर्टिकल देखो। इस आर्टिकल में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। नासा को ये पता चला है, देखो चांद कैसे बना, इसका सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी यही है कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था और धरती का बहुत सारा माल मटेरियल बाहर निकल गया था, फिर वो बगल में ही एस्केप किया जैसे ग्रेविटी को, वो चांद के रूप में बन गया। तो ये बना तो इसके लिए कई 100 साल या 1000 साल नहीं लगे। एक अजीब बात पता चली है, ड्यूरहम यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स एक सिमुलेशन बनाए हैं और उसमें एक शॉकिंग बात पता चली है कि चांद जो है वो मेयरली 4 घंटे में बन के तैयार हो गया था। जैसे एस्ट्रॉयड धरती को हिट किया उसके 4 घंटे के अंदर वो बन गया था। जो नया सिमुलेशन वो लोग बनाए हैं उसके आधार पर वो लोग ये कह रहे हैं, और इस चीज से रिलेटेड आप आर्टिकल को देख सकते हो कि कैसे 4 घंटे में चांद बन गया। इस बात की एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई है। तो इसका मतलब वो जो टकराया था धरती से जिसके बाद चांद बना, वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में टकराया था। पता नहीं ऐसा अगर फ्यूचर में हो तो नासा डार्ट मिशन के जरिए हमें बचा पाएगा या नहीं। फैक्ट नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि जो सैटर्न प्लैनेट है उसका जो रिंग है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे खूबसूरत है, उससे बड़ा रिंग शायद ही किसी प्लैनेट का हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसका रिंग, जो प्लैनेट का रिंग होता है ना, वो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है। बहुत सारे एस्ट्रॉयड मिल के एक रिंग बनाते हैं, ये मतलब यूनिवर्स का एक ग्राफिक्स कह सकते हो कि यूनिवर्स का जो ग्राफिक्स डिजाइन है उसमें एक करिश्मा है। सैटर्न ऐसा रिंग से प्रोटेक्टेड दिखता है। लेकिन जो ये J1407b है, और आप इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो कि कैसे सैटर्न का रिंग जो है ये इसके सामने बच्चे की तरह लग रहा है। ये दूर से बिल्कुल यूनिफॉर्म ऐसा लगता है। क्या है इसके चारों तरफ, वो असल में स्पेस के पार्टिकल्स और छोटे छोटे एस्ट्रॉयड मिल के बना होता है। फैक्ट नंबर 3, देखो हमारा यूनिवर्स जो है वो लॉ ऑफ फिजिक्स और बाकी चीजों से गवर्न्ड है। साइंटिस्ट तो यही मानते हैं कि फिजिक्स के बियॉन्ड कहीं भी नहीं हो सकता कुछ भी। बट निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि जब हम वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसीज ऐसे डीप एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे जो ऊपर फिजिकली दिख रहा है, वो छोड़ के एलिमेंट्री चीजों की पढ़ाई करेंगे, तब समझ आएगा कि क्या होता है रियल वर्ल्ड का एक्चुअल नेचर। तो फिलहाल 3 ऐसे जगहें हैं, ऐसे जगहें और सिचुएशन जहां पे लॉ ऑफ फिजिक्स काम करना बंद कर देता है, और एटलीस्ट वो उस तरह नहीं करते हुए दिखता है जैसा कि हमारे वैज्ञानिक एक्सपेक्ट करते हैं। पहला, एट द सेंटर ऑफ ए ब्लैक होल। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन, ब्लैक होल तक जब कोई चीज जाती है वहां तक क्या होगा, कैसे बॉडी स्ट्रेच होगा, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन वैज्ञानिक कर सकते हैं और वैसे ही होगा प्रोबेबली। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद उसके सेंटर पे क्या होगा, ये मतलब वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि ये कभी भी पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि कितना भी डीप मैथ्स को अप्लाई कर दे वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। उसके अंदर क्या होगा, जाने के बाद अंदर में क्या सिचुएशन होगी, ये वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। बट दिक्कत यह है कि कोई भी चीज जब ब्लैक होल के अंदर चली जाती है तो वापस नहीं आ सकती है, इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। तो उसके सेंटर पे लॉ ऑफ फिजिक्स काम नहीं करते हुए दिखता है। दूसरा है अबव द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई भी चीज नहीं ट्रेवल कर सकती हमारे स्पेस में, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए गए हैं ऐसा करते हुए। और क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो कि ब्रेक करते हुए दिखती है स्पीड ऑफ लाइट के लिमिट को। और तीसरा है प्लैंक्स लेंथ। जितना भी साइज है हम लोग मापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और एटॉमिक लेवल पे कितने छोटे छोटे मीटर होते हैं, तो एक प्लैंक लेंथ आता है, और प्लैंक लेंथ को इस यूनिवर्स का सबसे छोटा स्केल माना जाता है। प्लैंक लेंथ जो है इससे ज्यादा छोटा और कुछ भी नहीं हो सकता। प्लैंक लेंथ जो है वो अल्टीमेट साइज का सबसे छोटा ब्रेकडाउन है। तो इस लेवल पे भी चीजें लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करते हुए नहीं दिखती है। इसका मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स को हम लोग टेक्निकली लॉ नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि वो नॉर्मल दुनिया में करते हुए दिखती है। लेकिन जब इस दुनिया को डीप लेवल पे समझने की कोशिश वैज्ञानिक करते हैं तब ये बस एडवाइजरी ऑफ फिजिक्स टाइप का काम करता है, कहीं कहीं लागू होता है, बस लॉ नहीं है कि उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट इन तीनों सिचुएशन में, जिन सिचुएशन से साइंटिस्ट्स भी डरते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फैक्ट नंबर टू, अगर मैं आपको बोलूं कि हीरा रेयर है या फिर लकड़ी रेयर है, कौन ज्यादा वैल्यूएबल है, तो देखो ऑफ कोर्स इसका आंसर आएगा हीरा रेयर है। हीरा और लकड़ी में हीरे को चूज करेंगे लोग। लेकिन इस यूनिवर्स के लेवल पे बात करें तो डीपली सोचो एक चीज को, हीरा जो है वो धरती पे बहुत कम है, लेकिन इस यूनिवर्स में लकड़ी बहुत कम है। सुनने में बहुत अजीब सा लाइन लग रहा होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है जहां पे कार्बन इतना प्रेशर में रहता है कि पूरे प्लैनेट पे हीरे की बारिश होती है। कोई कोई प्लैनेट का कोर में ही अरबों किलो का हीरा बसा हुआ है। तो यूनिवर्सल लेवल पे हीरा रेयर नहीं है। हीरा जो है वो हमारे धरती पर रेयर है, कीमत है, ठीक है, लेकिन वुड लकड़ी को कहीं और फाइंड करके दिखाओ आप यूनिवर्स में। ऐसे तो पाया गया है कि अलग प्लैनेट्स पे एलियंस या छोटे छोटे माइक्रोब क्रिएचर्स रह सकते हैं पानी वो सब में, लेकिन लकड़ी, लिटरली वुड, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, ऐसा परफेक्ट सिचुएशन अभी तक तो किसी और प्लैनेट पे पेड़ वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। तो हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के स्तर पर जो वुड है वो ज्यादा रेयर है, लकड़ी, ना कि हीरा। एक डीप सी बात थी अगर आप इसको समझ गए होगे तो। फैक्ट नंबर वन, अब बात करते हैं सन के इस इमेज को। नासा ने इसको पोस्ट किया था और ये देखने में ऐसा लग रहा है कि सन स्माइल कर रहा है। तो सन के ऊपर ये ब्लैक पैचेस आखिर है क्या? तो क्या है कि सन का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ज्यादातर सब जगह सेम है। तो जहां पे येलोनेस कम है, ब्लैकनेस ज्यादा है, डार्क पैचेस है, वहां पे समझ जाना कि इसका टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि वो अपने एनर्जी को स्पेस में रेडिएट कर चुका है और वो बाहर निकल चुका है। तो वो जो ऐसे जो एनर्जी मारता है, स्पेस में फेंकता है पच करके, वो सबसे पहले मर्क्यूरी प्लैनेट को हिट करता है, फिर वीनस को, फिर हमारे धरती को, और धरती के मैग्नेटिक फील्ड से आके टकराता है। लेकिन धरती का एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड उससे लड़ती है, हमें प्रोटेक्ट करती है उस फ्लेयर से। तो जब भी सूरज में ऐसा ज्यादा डार्क पैचेस दिखे तो ये धरती के लिए एक्चुअली डेंजरस है। ये स्माइलिंग तो है बट इसका मीनिंग थोड़ा सा उल्टा है। उस जगह पे ब्लैकनेस है मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है फिलहाल, और इससे धरती पे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की जो मैंने बात की, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं उसे, तो वो आ सकता है। तो जब भी नासा ऐसा कुछ पोस्ट करे ब्लैक पैचेस सन पे, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। भले ही सन हंस रहा हो लेकिन हमारे लिए ये डेंजरस है। सोचो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि सन के एक जगह पे पूरा ही काला हो गया, पूरा डार्क, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे ये जितना डार्क दिख रहा है उससे मान लो 5 गुना ज्यादा डार्क दिख रहा है, तो समझ लो बहुत ज्यादा ही एनर्जी रेडिएट कर चुका है। तो इससे बहुत बड़ी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो धरती को हिट कर सकती है, चांसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। मतलब फिलहाल जो ये इमेज के बाद जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आने वाली है स्माइलिंग वाले के बाद, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने उतना रिएक्ट नहीं किया है। मतलब उनके कैलकुलेशन के हिसाब से ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा धरती को फिलहाल, बट ऐसा नहीं हो तो अच्छा है, बस यही कहना चाहता हूँ। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो को कैसा लगा। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।